हजारों साल धरा जब आँख बिछाए रहती पथ में, तब जाकर पैदा होता है कोई महापुरुष इस जग में। सुनाता जाए हमको हर युग की एक नई कहानी, समय सुनाता जाए हमको हर युग की एक नई कहानी। आया नहीं अभी तक कोई हरिश्चंद्र सा जग में दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, चंद्र एक अटल सत्य का नाम है। कर्तव्य जिनकी निष्ठा थी, कर्म जिनकी पूजा थी, लोगों का हित जिनकी भावना थी, ऐसे कर्तव्य परायण महापुरुष युगों बाद इस धरती पर आते हैं, जो अपने त्याग और बलिदान का इतिहास बना जाते हैं और समय युगों युगों उनकी कहानी सुनाता रहता है। जीवन को जो कर्म समझते, त्याग में जीवन का सुख पाए। मान और अपमान बराबर, जग के दुख से ना घबराए। अपने लिए नहीं जीते जो, सबके हित में काम आए। सच्चाई की राह न छोड़े, चट्टानों से टकराए। युग उनसे पहचाना जाए, समय उन्हीं की कहे कहानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तों, भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ हमेशा कोई ना कोई महापुरुष पैदा होते रहे हैं। भारत देश की धरती पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसी महाशक्तियों ने जन्म लिया। वाल्मीकि, ऋषि अगस्त, मुनि भरद्वाज और दुर्वासा जैसे ऋषियों की जो तपोभूमि रही है, उसी देश की धरती पर सतयुग में हरिश्चंद्र ने जन्म लिया, जिनके सत्य की परीक्षा से एक बार ब्रह्मांड भी हिल गया। सतयुग में कुल सूर्य वंश था, जन्मे देव पुरुष है इसमें। सूर्य वंश कुल में आए हैं, रामचंद्र जी त्रेता युग में। सत्य धर्म पालन इस कुल में सदियों से होता आया। सत्य धर्म का आसमान पे सदा दीप जलता आया। हरिश्चंद्र से बड़ा नहीं था सतयुग में कोई भी दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। महाराज हरिश्चंद्र की धर्म ध्वजा फहरा रही थी, उनके सत्य का प्रकाश सारे संसार में फैला हुआ था। उनके यश और कीर्ति से चारों दिशाएं गूंज रही थी,
उनके राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, वर्षा समय पर होती थी, चोरी डकैती का कोई नामो निशान नहीं था, न कभी अकाल पड़ता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी। ये सब उनके सत्य का प्रभाव था। उधर एक बार देवलोक में विश्वामित्र इंद्र मुनि नारद तीनों बैठे देवलोक में, सत्य धर्म पर बात चल रही, कौन बड़ा है तीन लोक में। विश्वामित्र गर्व से बोले, सच कहता हूँ मुनि नारद, इंद्र देव से बड़ा न कोई, सत्य धर्म का आज विशारद। आज सृष्टि में इंद्र देव से बड़ा नहीं है कोई दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। नारद जी विश्वामित्र की बात चुपचाप सुन रहे थे। नारद जी ने कहा, मुनिवर आपका संभाषण असत्य है। इस समय अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से बड़ा सत्य धर्म का पालक और दानी तीनों लोकों में कोई नहीं है। संसार की धरती पर जाकर इस सत्य को अपनी आंखों से देखिए। विश्वामित्र को बहुत बुरा लगा। नारद जी की बात से इंद्र भी उदास हो गए। विश्वामित्र जी तिल मिलाकर बोले, विश्वामित्र कहे नारद से, हरिश्चंद्र राजा है जग में, राज सुखों का भोग कर रहा, माया जहाँ बिछी है पग में, शासक है सांसारिक प्राणी, सत्य धर्म को क्या जाने, सत्य निभाना बहुत कठिन है, सत्य इसे हम ना माने। धन वैभव में तो हो जाए अभिमानी जग का हर प्राणी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। नारद जी ने कहा, विश्वामित्र जी जो अटल सत्य है उसे अहंकार के कोहरे से ढांका नहीं जा सकता। मैंने जो कह दिया उसमें तिल भर भी शंका का स्थान नहीं है। ये कहकर नारद जी चले गए। इंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा, नारद जी कभी असत्य नहीं कहते, जो सत्य उन्होंने देखा है वही बताया है। यदि ऐसा है तो आपने जो मुझे वरदान दिया कि मैं तीनों लोकों में सत्य धर्म का सबसे बड़ा पालक और महादानी हूं, वो झूठ हो जाएगा, और एक दिन ये मेरा सिंहासन भी मुझसे छिन जाएगा। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र का अभिमान जाग उठा। उन्होंने इंद्र को धीरज बंधाते हुए कहा, देवराज मुनिवर नारद की बातों से मत घबराना, विश्वामित्र जानता है हर सत्य धर्म से टकराना, सत्य धर्म की परिभाषा हरिश्चंद्र यदि भूल न जाए, देवराज ये मेरा तप बल उस पल वही झूठ हो जाए। धूल मिला दूंगा मैं उसको, ये है राज ऋषि की वाणी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। विश्वास
विश्वामित्र जी ने इंद्रदेव से कहा, देवराज आपकी दया दानशीलता को सारा संसार जानता है, आप धरती को जल से सींच कर हरा भरा करते हैं, खेतों में अनाज उगता है, न जाने कितने जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी आप ही की दया पर जीते हैं, हरिश्चंद्र ये सब कर सकता है क्या? अरे कुछ भिक्षुकों की झोली में भीख डाल देने से कोई महादानी नहीं हो जाता, देखिए मेरी योग माया का चमत्कार मैं क्या कर दिखाता हूं। इंद्रलोक से चले राज ऋषि वन में अपने आश्रम आए, अपनी योग सिद्धियों को मुनि अपने आश्रम में भुलवाए, हरिश्चंद्र को उसी रात में सोते समय स्वप्न दिखलाया, एक ब्राह्मण लिए कमंडल राजा के दरबार में आया, जय हो सत्य धर्म के पालक तुमसे बड़ा न कोई दानी। ब्राह्मण को देखकर राजा खड़े हो गए और प्रणाम करके बोले, ब्रह्मदेव आदेश कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, राजन मुझे इच्छा दान चाहिए, वचन दीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मदेव इस द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, मैं वचन देता हूं मेरा विश्वास कीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब दूंगा। ब्राह्मण ने कमंडल से जल निकाला, राजन से कहा, अजूरी में जल लीजिए और सच्चे हृदय से संकल्प कीजिए, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं। राजा ने जल लिया, ब्राह्मण ने संकल्प मंत्र पढ़ना शुरू किया। विप्र कमंडल से जल डाला, राजा अपना हाथ बढ़ाए, अंजुरी जल से भरती जाए, जल में राज डूबता जाए, वेद मंत्र से ब्राह्मण ने सब राजपाट संकल्प कराया, जल छिड़का खुश से राजन पर अपना आशीर्वाद सुनाया, नींद खुल गई हरिश्चंद्र की, राज्य दान कर डाले दानी। भक्तों राजा की आंख खुल गई, स्वप्न टूट चुका था किंतु स्वप्न की बातें याद थी, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में एक विषाद उभरा। एक उदासी चेहरे पर थी, चिंताओं से घिरे हुए थे, देख रहे आने वाले दिन जो कष्टों से भरे हुए थे, फूलों सा कोमल जिसका तन उस रानी का क्या होगा, साए में जो कुमला जाए उस रोहित का क्या होगा, हम राजा से रंक हो गए, प्रभु की गति कितनी अनजानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। रानी तारा ने राजा का चेहरा देखकर अंदाजा लगा लिया कि राजा आज कुछ चिंतित है, पूछने पर हरिश्चंद्र ने तारा को स्वप्न की सारी बात बताई। तारा ने कहा, स्वामी आप बेकार चिंता करते हैं, स्वप्न की बातें सच नहीं होती। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं तारा, मेरे लिए स्वप्न भी उतना ही सत्य है जितना प्रत्यक्ष
अब मैं इस राज्य का स्वामी नहीं हूँ, ये राज्य ब्राह्मण का हो चुका है। मुझे दुख है तो सिर्फ इतना कि तुम्हारा और रोहित का क्या होगा। तारा ने कहा, तारा बोली सुनिए स्वामी, स्वप्न सत्य यदि हो जाए, जो कुछ लिखा हुआ कर्मों में हम भोगेंगे क्यों घबराए। इतने दिन रहने वाली है राजपाट धन की माया, मिट जाएगी नश्वर जग में अपनी ये सुंदर काया। सत्य धर्म ही संग जाएगा, क्यों चिंता करते हो स्वामी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पूरी तरह से आपका साथ निभाऊंगी। यदि आप स्वप्न को सत्य मानते हैं तो अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। राजा मन में सोचने लगे, जीवन संगिनी एक पुरुष के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। वह पुरुष का सहारा होती है, नारी का सहारा पाकर पुरुष की हिम्मत सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। राजा ने रानी तारा को सीने से लगा लिया। हरिश्चंद्र ने सुबह नगर में ऐलान करवा दिया, सुबह ढिंडोरा हुआ नगर में, राजा ने ऐलान कर दिया। स्वप्न में हरिश्चंद्र ने राजपाट सब दान कर दिया। अब स्वामी है वही ब्राह्मण जिसको राजा दान दिए, दान भले ही दिया स्वप्न में, सत्य स्वप्न को मान लिए। देकर दान न वापस लेंगे, धर्म निभाए राजा दानी। भक्तों, मुनादी सुनते ही नगर के सारे लोग राजभवन के द्वार पर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, राजन ये क्या कर रहे हैं आप? भला स्वप्न का दान भी कोई दान होता है? महाराज, स्वप्न सच्चे नहीं होते, हमें दूसरे के अधीन मत कीजिए, हम आपको खोकर सुख से नहीं जी पाएंगे। हरिश्चंद्र ने सबसे हाथ जोड़कर कहा, प्रजाजनों आपके बल पर ही सत्य और धर्म का मैं पालन कर रहा हूं, मुझे मेरे पद से हटाइए मत, मेरा साथ दीजिए। राजा की बात प्रजा के साथ चल ही रही थी कि राज स्वप्न में जिस ब्राह्मण को राज दान किया था वे प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर खड़े हो गए। राजा ने कहा, ब्रह्मदेव आपने बड़ी कृपा की है, मैं तो चिंतित था कि आपको कहाँ ढूंढूंगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन तुम्हें मेरी चिंता थी या ये राज्य छूट जाने की, कहीं छुपी है मन में पीड़ा सुख की डोर टूट जाने की। हरिश्चंद्र ने कहा, देवता क्यों ऐसा कटु वचन कहें, हमने दान दिया है मन से, हम इसका दुख नहीं सहे। ब्राह्मण बोला, मुकुट और सिंहासन मुझे सौंप दो दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। हरिश्चंद्र ने तलवार और मुकुट
ब्राह्मण को सौंपते हुए सिंहासन की तरफ इशारा किया और बोले, ब्रह्मदेव आप अपना सिंहासन संभालिए। ब्राह्मण ने कहा, हरिश्चंद्र तुमने राज्य दान किया है, दान का फल बिना दक्षिणा दिए नहीं मिलता। ये सुनकर हरिश्चंद्र ने खजांची को आदेश दिया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने ये सुनते ही राजा से कहा, माल खजाना राज पाटिए, दान कर चुके हो सब मुझको, अब तो मैं हूँ इसका स्वामी, नहीं अधिकार कोई भी तुमको, मेरे माल खजाने से ही तुम मेरी दक्षिणा चुकाओ। ये कैसा है धर्म तुम्हारा, झूठ मूठ दानी कहलाओ, सत्य तुम्हारा ढोंग लग रहा, मुझको तो है राजा दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। महाराज हरिश्चंद्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और बड़ी सोच में पड़ गए। अब दक्षिणा दें तो कहां से दें? उन्हें तो अब राज्य में रहने का भी अधिकार नहीं था। हाय रे समय, अवध का एक चक्रवर्ती नरेश, जिसने नित प्रति लाखों का दान किया, आज ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं चुका पा रहा है। भक्तों, समय बड़ा बलवान होता है, यही सत्य है, वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजा हो चाहे भिखारी। हरिश्चंद्र ब्राह्मण से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मदेव मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, इतने समय में मैं आपकी दक्षिणा अवश्य चुका दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारामती और उनका 5 वर्ष का पुत्र रोहित, सब लोग अपने राजसी वस्त्र आभूषण उतार कर ब्राह्मण को सौंप दिए और साधारण कपड़ों में राज्य छोड़कर चल दिए। प्रजा ने बहुत रोका किंतु वे नहीं रुके, प्रजा रोती रही, वे तीनों प्राणी अनजानी डगर पर बढ़ते गए। रास्ते में राजा रानी और रोहित का क्या हाल हुआ? फूल जहां चुभते थे पग में, उस रानी पग कांटे चुभते, छाया में कुमला जाता था, रोहित के पग छाले पड़ते, जिस राजा की अगवानी में सारा नगर कभी झुकता, आज वही नंगे पग पैदल जंगल में चल चल थकता। विधि का लेख न मिटे मिटाए, कर्मों की गति किसने जानी, समय सुनाता जाए हमको हर युग की एक नई कहानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तों, आज दानी शिवी नरेश की बेटी शैव्या, जिसे हम तारा रानी के नाम से जानते हैं, वो कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही थी, पांव में छाले पड़ गए थे जिनमें से लहू बहने लगा था, नन्हे रोहित का रंग काला पड़ गया था, भूख लगने पर जंगल में बेर खाकर वो अपनी भूख मिटाता था। उसकी ये हालत देखकर रानी तारा कई बार फूट फूट कर रो पड़ती
राजा रानी ने सोच विचार कर ये तय किया। एक माह में देनी होंगी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मेहनत मजदूरी करके हम चलिए इतना द्रव्य जुटाएं। राजा कहीं तोड़ते पत्थर, रानी ढोए ईंट, कहीं रोहित कहीं मांजता बर्तन, आ जाती उसे नींद वहीं। आधा पेट कभी भोजन हो, कभी सो गए पीकर पानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तों, धीरे धीरे समय बीता गया, 29 दिन पूरे हो गए। राजा रानी व रोहित ने मेहनत मजदूरी करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। फिर राजा रानी ने तय किया, काशी नगर पहुंच कर हम सब वैतरणा स्नान करेंगे, विश्वनाथ का दर्शन करके फिर कोई दूजा काम करेंगे। कल पूरा हो 1 महीना, मुनिवर की दक्षिणा चुका दे, मुक्ति मिलेगी ऋण से हमको, ये धन मुनि के हाथ थमा दे। पहले सिर से भार उतारे, फिर आगे सोचेंगे रानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तों, इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, ईश्वर जो सोचता है वही होता है। होनी अपने ही ढंग से काम करती है। यहाँ देखिए विश्वामित्र की योग माया, हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित नाव से वैतरणा नदी पार करते हैं। किनारे उतरकर जैसे ही केवट को उतराई देने लगते हैं, स्वर्ण मुद्राओं की थैली हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है। तीनों प्राणी उस थैली को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। उनके महीने भर की मेहनत की कमाई देखते ही देखते पानी में चली जाती है। हरिश्चंद्र दुखी हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। आज माह का आखिरी दिन है, एक दिन में इतनी धनराशि कहां से आएगी। ये विचार करते हुए हरिश्चंद्र पानी से बाहर आए तो देखा सामने विश्वामित्र खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, आज महीने का अंतिम दिन है, मेरी दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिवर, आप चिंता ना करें, आपकी दक्षिणा मैं आज ही चुका दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा, जब 29 दिनों में राजन तुम इतना धन जुटा न पाए, आज आखिरी दिन इतना धन कहाँ मिलेगा समझ न आए। क्या दक्षिणा हरण करने का तुम विचार तो नहीं बनाए, सूरज अभी डूब जाएगा, 1 माह पूरा हो जाए। मन में अगर कपट पाले हो, मिट जाओगे राजा दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की।
को मुनि की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मुनिवर, ये सूर्य वंश की मर्यादा का प्रश्न है। हरिश्चंद्र उस पर आंच नहीं आने देगा। मेरे प्राण चले जाएं, परंतु वचन नहीं जाने दूंगा। आप विश्वास कीजिए, सूरज डूबने से पहले मैं आपको दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। हरिश्चंद्र सोचते हुए चले जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक बाजार पर पड़ी, जहां आदमी बिक रहे थे। ये दासों का बाजार था, जहां दास नीलाम हो रहे थे। हरिश्चंद्र के मन में एक आशा की किरण जागी। हरिश्चंद्र उस बाजार की ओर भागे और एक झटके से मंच पर चढ़ गए। जब तक रानी मंच तक पहुंचती, राजा की बोली शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हरिश्चंद्र हताश हो गए, उनकी आंखें छलक आईं और कहने लगे, काशी के नगर निवासी, तुमसे इतनी सी विनती है। दासों के बाजार में लोगों मेरी भी काया बिकती है। कोई सौदागर बन जाओ, आगे बढ़कर मोल लगाओ। भोले शंकर की धरती पर मुझ दुखिया की विपत मिटाओ। दया करो उपकार तुम्हारा, दास बना लो दाता दानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। हरिश्चंद्र ने रोते हुए सबसे विनती की, किंतु उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। रानी तारा सोचती है कि धिक्कार है मेरे जीवन को। सहभागिनी होकर यदि मैं आज पति के काम न आ सकी, तो फिर मेरे पत्नी कहलाने का क्या अर्थ। तारा मंच पर चढ़ गई। हरिश्चंद्र तारा को देखकर अवाक रह गए। तारा हरिश्चंद्र की ओर ना देखते हुए व्यापारियों की ओर देखने लगी। बोली शुरू हुई और 500 स्वर्ण मुद्राओं में एक सेठ ने दासी के काम के लिए उन्हें खरीद लिया। हरिश्चंद्र के हाथ में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए रानी कहती हैं, अपना सत्य निभाओ स्वामी, धर्म नहीं दिखने पाए। सत्य धर्म की इस भट्टी में जीवन चाहे जल जाए। हे नरश्रेष्ठ तुम्हारे पथ में यदि ये जीवन काम आए, इससे बढ़कर क्या सुख होगा, जन्म सफल ये हो जाए। पग से दूर जा रही हूँ मैं, मन से दूर न करना स्वामी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तजनों, मनुष्य कितना असहाय और कितना बेबस हो जाता है, जब समय की बेड़ियां उसे जकड़ लेती हैं। आज अवध नरेश के कुल की लाज उनकी रानी उन्हीं की आंखों के सामने बिक गई। वो देखते रह गए और कुछ ना कर सके। 5 वर्ष का अबोध रोहित अपनी ममता से बिछड़ रहा था। माँ का आंचल पकड़कर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो प्राण तुम्हारा हूं मां, अपने से मत दूर करो। अपनी
की ममता को मत छीनो, मत ये जीवन चूर करो। पागल हो जाऊंगा तुम बिन किसके आंचल में जाऊं। तुमसे बिछड़ गया तो मैया दो पल भी ना जी पाऊं। अपने संग मुझे भी ले चल ओ मैया ममता की खानी। ममता का कलेजा फट गया, रानी तारा के कदम रुक गए। तारा ने हाथ जोड़कर सेठ से निवेदन किया, मालिक कुछ और धन देकर इस बच्चे को भी खरीद लीजिए, ये भी मेरे साथ रहेगा, आपका कहना मानेगा, घर के काम काज में हाथ बटाएगा। सेठ ने कुछ सोचा, फिर 250 स्वर्ण मुद्राएं देकर बच्चे को भी खरीद लिया। हरिश्चंद 750 स्वर्ण मुद्राएं हाथ में लिए खड़े हैं, आंसू बहते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। टूट गया पत्ता डाली से अपने संग ले चली हवा, जाएंगे हम ना जाने अब मिले कहाँ। भीड़ भरे इस जग में अपना कहने वाला कोई नहीं, कितने रंग अभी बदलेगा जीवन का एतबार नहीं। टूट टूट कर बिखर गए थे टुकड़े टुकड़े तीनों प्राणी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। एक कर्कश आवाज ने हरिश्चंद्र का ध्यान भंग कर दिया। मुझे तेरी जरूरत है, बोल क्या कीमत लेगा। हरिश्चंद्र ने उस आदमी की ओर देखा। हरिश्चंद्र कुछ पूछते इससे पहले ही उसने कहा, मैं प्रवीर, लोग मुझे कल्लू डोम भी कहते हैं, मैं यहां के शमशान का स्वामी हूं, मुझे एक सेवक की जरूरत है। हरिश्चंद्र मन में विचार करते हैं कि सूरज डूबने में कुछ ही समय बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि विश्वामित्र को दिया हुआ वचन मैं पूरा ना कर पाऊं। उन्होंने तुरंत उस डोम से कहा, 250 स्वर्ण मुद्राएं। कल्लू डोम ने 250 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र को दे दी। इतने में विश्वामित्र जी वहां प्रकट हुए। हरिश्चंद्र ने प्रणाम करते हुए दक्षिणा उनके हाथ में थमा दी। हरिश्चंद्र डोम के साथ उनके घर गए। डोम ने उन्हें सारा काम बताया और हरिश्चंद्र खड़े हुए शमशान भूमि पर हाथों में लाठी लेकर। कर वसूलना लाश जलाना राजा बिके डोम के घर। दिन भर घर का काम संभाले भरे डोम के घर पानी। सारी रात जागते रहते मरघट पे कर दरबानी। किसको कहा ले चली होनी प्रभु की गति है किसने जानी। भक्तों देखी विधि का विधान, अयोध्या का प्रजापालक आज मरघट का दरबान बना था। हरिश्चंद लाश जलाने से फुर्सत पाते तो रानी और रोहित की यादों में खो जाते। न जाने तारा और रोहित कैसे होंगे, कैसे कैसे कष्टों का सामना करते होंगे। उधर तारा और रोहित का ये हाल था। छ
झाड़ू पोछा बर्तन मलना कपड़ा धोती थी घर का, खुद भूखी रहकर भी भोजन नित्य बनाती थी सबका, नित्य कुएं से पानी भर के पिलवाती पशु को पानी, अपने हाथों के छालों को दिखलाती किसको रानी, गले लगा के प्रिय रोहित को हिचकी लेकर रोती रानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तों इतना ही नहीं, नन्हे से रोहित को भी काम करना पड़ता था, पूजा के फूल लाना, पूजा के बर्तन धोना, पशुओं को चारा देना और उनकी देखभाल करना। सेठ उसे डांटता भी था, कभी कभी तो वो रोहित को मारता भी था। बेचारा रोहित समय और भाग्य से अनजान रोकर सो जाता था। एक दिन फूल तोड़ते समय एक दिन निकला काला नाग भयंकर, मारा दंश गिर पड़ा रोहित, तड़प तड़प मर गया वहीं पर। लाश उठा करके रोहित की द्वार से टिके कोई लाया, तारा का तो रंग उड़ गया, देख लाल की नीली काया। रोने लगी पुत्र के शव पर, तड़प तड़प कर तारा रानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। तारा ने रोहित की लाश उठाई और शमशान भूमि की ओर चल पड़ी। भक्तों क्या बीत रही होगी तारा के दिल पर, एक माँ अपनी ममता का जनाजा अपने हाथों में लिए चली जा रही थी। घनघोर अंधेरी रात, आसमान पर बादल छाए हुए थे, रात का आधा पहर बीत चुका था। तारा शमशान भूमि में दाखिल हुई, हरिश्चंद्र ने देखा एक युवती नारी अपनी गोद में एक बच्चे की लाश लिए हुए आई है। तारा भूमि पर लाश को लिटाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हरिश्चंद्र दूर कहीं एक जलती हुई चिता के पास खड़े थे। नारी के रोने की आवाज ने आज पहली बार हरिश्चंद्र को झिंझोड़ के रख दिया था। वो नारी की तरफ आए, घनघोर अंधेरे में कोई किसी को पहचान नहीं पाया। उन्होंने धीरज बंधाने के लिए उस अपरिचित नारी से कहा, नारी ये जग मृत्यु लोक है, नियम यहाँ का जन्म मरण है, इस जग से सबको जाना है, अंतिम कोई प्रथम चरण है, जो विधि ने लिख दिया भाग्य में, उसे भोगना है जग में, सब करना स्वीकार पड़ेगा, फूल हो या कांटे पथ में, किसकी चिता बनाओ जाकर, ये दुनिया है आनी जानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। रानी तारा को उस डोम की आवाज जानी पहचानी लगी। घनघोर अंधेरे में वो हरिश्चंद्र के चेहरे को पहचान नहीं पा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी
कि उसका पति शमशान भूमि में डोम का काम कर रहा होगा। यही हाल हरिश्चंद्र का भी था। उन्हें क्या मालूम था ये बच्चे की लाश उन्हीं के प्रिय रोहित की है, और रोने वाली नारी कोई और नहीं उन्हीं की प्रिय तारा है। रानी उठी और लकड़ियां उठाकर चिता तैयार करने लगी। भक्तों देखी एक माँ आज अपनी ही ममता को चिता पर लिटाने जा रही है। अंबर पर बादल छाए थे, घोर अंधेरा था रातों में। तारा चिता बनाती जाए लकड़ी के टुकड़े हाथों में। तारा का रोना सुन करके टूट टूट कर पत्ते गिरते। तुम तो लाल चिता पर सोए, हम क्यों जीवित है ना मरते। धरती अंबर कांप उठे सब, फूट फूट कर रोए रानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तों, शमशान में तो न जाने कितनी लाशें रोज आती थी। लोग रोते बिलखते भी थे। ये देखते सुनते हरिश्चंद्र के हृदय में वैराग्य का भाव जाग चुका था। उन्हें संसार का मोह अब नहीं सताता था, किंतु आज हरिश्चंद्र का हृदय किसी अनजानी भावना से व्याकुल हो रहा था। भक्तों, अपना खून कहीं भी हो वो मन को खींच लेता है। हरिश्चंद्र कर्तव्य परायण मनुष्य थे। चिता के पास चलकर आए और अपरिचित नारी से बोले, शमशान भूमि का दे दो या बच्चे का कफन मुझे दो। तुम्हें अग्नि देता हूँ लाकर इसका दाह कर्म करने को। तारा फूट पड़ी ये सुनकर, कफन कहाँ से दो तुमको। यही अकेली साड़ी तन पर इससे ढकती हूँ तन को। मैं असहाय दुखी अबला हूँ, तुम सच मानो मेरी वाणी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। रानी रो रो कर अपने असहाय होने का विश्वास दिला रही थी, किंतु हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य की जंजीरों से बंधे थे। वे नारी को समझाते हैं कि कर वसूलने के लिए ही शमशान भूमि में उनकी नियुक्ति की गई है। बिना कर लिए यदि वो शव को जलाने देते हैं तो ये मालिक के साथ गद्दारी होगी। और उस नारी से कहते हैं, सुखी नहीं आते मर घट पर, सब दुख के मारे आते हैं। जीवन यहाँ नहीं मिलता है, इस दर जीवन जल जाते हैं। छूट सभी रिश्ते नाते हैं, इसका ज्ञान यही होता। कौन यहाँ आकर हंसता है, सारा जग इस दर रोता। बिना कर दिए दाह मत कर, कहता हूँ सुन लो सच वाणी। भक्तों, हरिश्चंद्र और तारा की बातें चल ही रही थी कि अचानक आसमान पर बिजली चमकी। एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। हरिश्चंद्र ने देखा
चिता पर उनका ही बेटा प्रिय रोहित लेटा हुआ है, और सामने खड़ी रो रही नारी और कोई नहीं उनकी अपनी ही प्रिय तारामती थी। हाय रे भाग्य की विडंबना, हरिश्चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। रानी तारा ने उन्हें संभाला, आंचल से उनका चेहरा पोंछा। हरिश्चंद्र की आंखें खुली तो वो रोने लगे, रोते रोते कहने लगे, मुझे छोड़कर कहाँ चल दिए बेटे रोहित कुलदीपक, ये कैसा सतयुग है ईश्वर, पिता जलाए सुत को अब तेरे कंधे पर मैं जाता, मुझसे पहले चला गया, कैसा खेल विधाता है ये, सत्य मार्ग पर चला गया, ये कैसा है न्याय तुम्हारा, प्रभु तुम कैसे दाता दानी। भक्तों, हरिश्चंद पुत्र की लाश को सीने से लगाकर जी भर कर रोए। तारा ने उन्हें धीरज बंधाया, दोनों प्राणियों ने एक दूसरे को आप बीती सुनाई। तारा ने कहा, नाथ अब आप मिल गए हैं, अपने पुत्र का दाह संस्कार आप स्वयं कीजिए। हरिश्चंद्र ने कुछ देर सोचा, उन्हें अपना कर्तव्य याद आ गया, पीछे हटते हुए बोले, इस पल मेरा पुत्र नहीं ये, रोहित का शव तुम लाई, मैं मर घट का डोम उतारा, लाश जलाने तुम आई, मर घट का कर मुझे चुका दो, इसकी लाश जलाओ तुम, अग्निदान देता हूँ तुमको, तारा अब कर लाओ तुम। सुन करके राजा की बातें, रोए दुख से तारा रानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज रोहित आपका भी बेटा है, कर्तव्य के मार्ग पर इतने कठोर मत बनिए, कम से कम इस पर तो दया कीजिए। हरिश्चंद्र मजबूर थे, वे बोले, तारा शमशान भूमि में रिश्ते जुड़ते नहीं, जलाए जाते हैं, तुम मुझे कर चुकाओ और रोहित का दाह संस्कार करो। भक्तों, कितनी पीड़ा रही होगी हरिश्चंद्र के मन में, आदमी कठोर नहीं होता, हालात उसे कठोर बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, सुनो तारा, हरिश्चंद्र कर्तव्य मार्ग पर अटल रहेगा। तारा ने जब देखा कि राजा अपने कर्तव्य पर अटल हैं, तो उसके विचार भी दृढ़ हो गए। उसने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज मैं आपको कर्तव्य मार्ग से नहीं हटने दूंगी, राजन मैं कर अवश्य चुकाऊंगी। प्राणनाथ मैं भी शैव्या हूँ, शिव नरेश की हूँ बेटी, जिसने एक कबूतर के हित निज तन की कर दी बोटी, पत्नी हूँ मैं उस नरेश की, सत्य धर्म हित बिका है जो, जो रोया है पुत्र के शव पर, सत्य मार्ग से हटा न जो, नाथ कफन देती हूँ तुमको, लो मैं फाड़ रही हूँ साड़ी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की।
की जय हो, धर्म की जय हो। भक्तों, तारा ने जैसे ही अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, आसमान पर एक गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, हरिश्चंद्र बस बहुत है इतना जो कर्तव्य निभाया है, धर्म डूबने नहीं दिए तुम, सत्य नहीं दिग पाया है, तुमसे बढ़ के दानी जग में सच के पथ चलने वाला हुआ नहीं इस जग में कोई, ना आगे होने वाला, तेरे सत्य की कठिन परीक्षा युग गाएंगे ए बलिदानी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। उस समय शमशान भूमि पर सारा देवलोक आ गया था, धर्म स्वयं वहां खड़ा था, जिसने कल्लू डोम का रूप धारण किया था, विश्वामित्र भी खड़े थे, देवराज इंद्र मंत्र मुग्ध होकर हरिश्चंद्र की ओर देख रहे थे। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, आज ये तीनों लोकों ने मान लिया, एक बार विधाता का लेख बदल सकता है, किंतु हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से नहीं हट सकता, ये तुम्हारे सत्य की परीक्षा थी जिसमें तुमने सारे देवलोक को झुका दिया, वो देखो तुम्हारा प्रिय रोहित चला आ रहा है, ये लो अपना राजमुकुट और तलवार। हरिश्चंद्र ने सबको नमन किया और बोले, विश्वामित्र जी, भविष्य में सत्य की ऐसी परीक्षा फिर किसी की मत लीजिएगा, वरना लोग सत्य मार्ग पर चलने से डरेंगे। देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा प्रकट की, हरिश्चंद्र से बोले, आप हमारे साथ देवलोक चलिए। रोहित जीवित होकर आए, सबके पग में नमन किए, देवों के संग तीनों प्राणी अवधपुरी को गमन किए, रोहित को सिंहासन देकर हरिश्चंद्र सुरधाम चले, सतयुग बीत गया पर उनके सत का युग युग नाम चले, हरिश्चंद्र के सत्य धर्म की कथा मुक्ति दिलवाए प्राणी। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। प्रिय भक्तों, सत्य मार्ग पर चलने वालों की सदा विजय होती है, जो अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का निष्ठा से पालन करते हैं, उनके आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, ये कथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि ईश्वर को पाना हो तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। ये सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इस पथ पर चलना असंभव नहीं। भक्तों, ये कथा हमें सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो।